मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत सहाबा। अल्लाह हमें दोनों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत इमाम अली मुश्किल कुशा आप फरमाते हैं कि इस उम्मत का सबसे बेहतरीन शख्स हुजूर के बाद अबू बकर है, और इमाम ज़हबी ने इसको लिखा है कि हजरत अबू बकर हजरत अली से 80 से ज़्यादा बार 72 के साथ मर गई है। आपने 80 से ज़्यादा बार इरशाद फरमाया कि इस उम्मत का सबसे बेहतरीन शख्स अबू बकर है। अगर अली अबू बकर को बेहतर कहे तो कौन हो सकता है जो अबू बकर को बेहतर न बोले। अगर अली कह दे कि अबू बकर बेहतर है तो मेरी जरूरत है कि अगर हुसैन कहे कि मेरा आका अबू बकर है, मेरा सरदार मेरा सैयद अबू बकर है, तो किसी की जरूरत है ना मानने। अगर मेरा नबी अबू बकर को मुसल्ला इमामों पे खड़ा करके जाए तो किसी की जरूरत है उतारने की? किसी की जरूरत है जिसको आका खड़ा करके जाए, जिसको आका मुसल्ला इमामत पे खड़ा करके जाए, किसी की जरूरत है जिसको उतारने? तो ये जात थी अबू बकर की। अबू बकर वो है जिसने अपना सब कुछ आका के लिए कुर्बान कर दिया। जान सारी की मिसाल कायम की। अगर जान सारी का बाप लिखा जाए तो जाकर अबू बकर बेहतर होता है। कुर्बानी की दास्तान लिखी जाए तो सबसे पहले नंबर पर अबू बकर आएगा। वो अबू बकर जिसने माल भी कुर्बान किया, जान भी कुर्बान की, रूह भी कुर्बान कर दी, अपनी औलाद तक कुर्बान कर दी, उस रात को अबू बकर कहते हैं। कहते हैं मक्का का सबसे बड़ा ताजिर था अबू बकर, सबसे बड़ा ताजिर। लेकिन जब घर से जनाजा उठा ना जनाजा, तो घर के हालात ये थे सवाए कफन के कुछ बाकी नहीं था, सब कुछ इस्लाम पे कुर्बान करके जा रहे हैं। इस्लाम आज भी मकरूज है अबू बकर का, आज भी मकरूज है अबू बकर का। कोई ऐसा मौका नहीं आया जहाँ मेरे नबी ने कहा हो कुर्बान करो अबू बकर पीछे। कोई ऐसा लम्हा नहीं आया कि जहाँ मेरे नबी ने फरमाया आओ जान सारी का मंजर दिखाओ अबू बकर पीछे। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया लोगों याद रखना, जिस तरह तुम मुझसे मोहब्बत करते हो इसी तरह मेरी उम्मत को वाजिब है कि अबू बकर से मोहब्बत, वाजिब है कि अबू बकर से मोहब्बत। तो रसूलुल्लाह के मानने वालों को चाहिए कि अबू बकर से मोहब्बत करनी चाहिए, अहले बैत के मानने वालों को चाहिए कि अबू बकर से मोहब्बत करो। या जिसको मेरे नबी कहे कि जन्नती है, तुम कौन होते हो उसके बारे में बात? जिसको मेरा नबी कहे कि जन्नत के आठ दरवाजे हैं आठ दरवाजे, किसी को सदके के दरवाजे से बुलाया जाएगा, किसी को नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा, किसी को बाबू रेहान से बुलाया जाएगा, हाँ अबू बकर एक वाइट डॉग है जिसको आठ दरवाजों से बुलाया जाएगा। जिसको जन्नत के आठ दरवाजे बुलाए उसकी मोहब्बत में शक करते हैं वो अबू बकर, उसमें शक करना चाहिए? उसमें शक करना चाहिए? उसकी मोहब्बत में शक करना चाहिए? उसकी सदाकत में शक करना चाहिए? उसके इश्क में शक करना चाहिए? उसकी वफा में शक करना चाहिए? और वो उमर जिसने सब कुछ आका के लिए कुर्बान कर दिया, मेरे नबी ने फरमाया लोगों सुनो मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता। उसकी फजीलत में शक करना चाहिए? जिसकी जुबान पे हक जारी हो उसकी फजीलत पे शक करना चाहिए? मेरे नबी ने फरमाया लोगों सुनो 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 मेरा उस्मान जन्नती है, लोगों को बिशारते दिया करें फलां भी जन्नती है फलां भी जन्नती है, लेकिन उस्मान को आका ने लिख के दिया था उस्मान तू जन्नती है, जिसको आका लिख के दे तू जन्नती है, कि उसकी फजीलत में शक करना चाहिए? और जिस अली को आका सारे सहाबा के मजमे में हाथ खड़ा करके उसका बाजू पकड़ के कहें लोगों याद रखना जिसका मैं मौला हूँ वहां सा अली ही मौला, जो मुझे अपना मौला मानता है वो अली को भी अपना मौला मानेगा, उसकी फजीलत पे शक करना चाहिए। और वो हुसैन जिसके बारे में मेरे नबी ने बताया लोग पूछते हैं हुसैन क्या है, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन का दावा पूछते हो, अरे वो तो वो है कि जिससे मैं हूँ हुसैन मुझसे है, उसकी फजीलत पे शक करना चाहिए। इसलिए हम वो हैं जो सहाबे नबी से भी मोहब्बत करते हैं और आले रसूल से मोहब्बत करते हैं। हम सहाबे नबी के भी गुलाम हैं और आले रसूल के भी गुलाम हैं। हम सैयदा फातिमा तो जहरा के टुकड़ों के पलने वाले हैं, सैयदा फातिमा तो जहरा के टुकड़ों के पलने वाले हैं। वो फातिमा जिसके बारे में मेरे नबी कहे लोगों सुनो अल फातिमा तो बुद्धा तुम्हें नहीं,
फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई, उसने मुझे सदमा पहुंचाई, उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। हम उस फातिमा के भी नौकर हैं, हम उस फातिमा के भी नौकर हैं। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की राज ज़हरा, मकाम में हुस्न हुसैन है ये कि करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। और किसी को मिला है न मिल सका है, जो मिला है उसको दाज ज़हरा। और जो तेरे बुगज से शोहर, जो तेरे शोहर से बुगज रखे, मरीज है लाजवाबस्ती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें असहाबे रसूल से भी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और आले रसूल से भी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। कल क़यामत में उठें इसी लिहाज में उठें कि हमारे आगे अबू बकर हो, पीछे मौला अली, इसी लश्कर के साथ जाएँ, असहाबे रसूल भी हमारे साथ हों, आले रसूल भी हमारे साथ हों। हम आले रसूल के भी कदमों में रहना चाहते हैं और असहाबे रसूल के भी कदमों में रहना चाहते हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी सादरी को अपनी बारगाह में शर्त कबूलियत अता फरमाए, मेरा आना अल्लाह ताला बामकसद बनाए, आप लोगों का भी आना, जितने जुमले बोले अल्लाह ताला इनको हमारे दिलों में जरा दे, अल्लाह ताला आप सबका हामी हासिल हो। वाफी दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नारा तकबीर अल्लाह, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, नारा तहकीक अल्लाह ने पुकारा, कुरान में आया, सदीक से पूछो, सदाकत बोले, उमर से पूछो, अदालत बोले, उस्मान से पूछो, सहाबत बोले, अली से पूछो, सुजात बोले, तमाम हज़रात खड़े हो गए और दुरूद सलाम पर सलवा पेश करें। सदा